बालाघाट जिला मुख्यालय में कोरोना वायरस को लेकर आइसोलेशन वार्ड का कलेक्टर दीपक आर्य ने निरीक्षण किया है और सुविधाओं का जायजा लिया है। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर आर के मिश्र भी उपस्थित रहे हैं। बालाघाट में कोरोना वायरस प्रभावित कोई नहीं है, बावजूद अस्पताल प्रशासन द्वारा यहाँ पर तैयारियां कर ली गई हैं। आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, 6 बेड की व्यवस्था की गई है, वेंटिलेटर व दवाइयों की व्यवस्था की गई है, तो वहीं एक स्टाफ नर्स सहित 3 कर्मचारी और अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक इसको लेकर तैनात कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए तैयारियों निर्देश प्राप्त हुए और इसी तारतम्य आइसोलेशन वार्ड का निर्माण किया गया। उसमें वेंटिलेटर की व्यवस्था उसमें की गई है, अन्य मास्क और अन्य जो अन्य सामग्री मेडिकली रिक्वायर्ड है वो सारी है। जो हॉस्पिटल के मेडिकल इंचार्ज हैं डॉक्टर लेलहारे, उनको प्रभारी बनाया गया है। सिविल सर्जन भी उसको लगातार देख रहे हैं। सर, ये देखा गया कि मुंबई, नागपुर, हैदराबाद से जैसे मरीज आते हैं, सर उनकी भी तो जांच होनी चाहिए, लेकिन कहाँ जांच हो रही है, किस तरीके से? नहीं, जो अभी प्रोटोकॉल ये है कि यदि कोई बाहरी देश से कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको 28 दिन को क्वारंटाइन पीरियड में रखने का प्रावधान है, जिसमें कि कार्रवाई की जा रही है। चाइना के जो लोग आए थे मॉइल में और SCL में, उनको 14 दिन के लिए, क्योंकि उसमें पहले 14 दिन के निर्देश से 28 दिन कर दिया, तो संबंध में निर्देश उसमें है, उसका पालन किया गया है।